ठीक है, हम अभी लाइव जा चुके हैं। सबसे पहले तो ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग साथी जुड़े हैं सभी को कलेक्टर के तरफ से मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर बधाई देता हूँ। और इस एनवायरनमेंट डे के ही कड़ी में जब हम बात करते हैं तो हमने एक स्पीकर सीरीज का आयोजन किया है सभी साथियों के साथ। आज और कल दो सेशन में हम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट मूवमेंट, क्लाइमेट चेंज, सॉयल प्रिजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग और भी अलग अलग जिस तरीके के बदलाव हम देख रहे हैं हमारे पर्यावरण में, इसको लेके और भी गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला सेशन पूंजीवादी कृषि और उसके समस्याओं पर है। आज हमारे साथ ऑब्रो चक्रवर्ती है जो खुद एक राइस कंजर्वेशनिस्ट है। 1000 से ऊपर अलग अलग राइस के वैरायटीज की वो कंजर्वेशन करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी लेकर उनका काम है और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को लेकर उनका काम है। तो पहले अगला 30 से 40 मिनट उनका वक्तव्य रहेगा, उसके बाद हम सवाल लेंगे और आप सबके साथ एक डिस्कशन हम आयोजित कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अभ्रुदा को बुलाना चाहूंगा कि वो आके अपनी बात करें। पहले सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी को जो आज इस सेमिनार में कोई कोई दिन में मुझे बोलने का मौका दिया गया। कर भी तो ऑन है, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अभी सुनाई दे, अभी आवाज आ रही है ना? अच्छा ठीक है। हाँ। तो ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि इस जो वेबिनार है उसे इस वेबिनार में आप लोग मुझे इनवाइट किया कुछ बोलने के लिए। मैं शुरू से एक बात कहूंगा कि मैं राइस कंजर्वेशन कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास अभी 400 से कुछ ज्यादा इंडिजिनस राइस है, 1000 नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि 1000 आज हम लोग जो विषय जो मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है पूंजीवादी कृषि और उसके साथ जुड़े हुए सॉइल फर्टिलिटी और एग्रो इकोसिस्टम का जो प्रॉब्लम। तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा इसलिए कि मेरा हिंदी कुछ खास नहीं है, कुछ फ्लुएंट नहीं है, मुझे हिंदी बोलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, इसलिए इसमें थोड़ा जंग लग गया है। अभी मैं कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए, ये जो हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें कुछ सीरियस टाइप का प्रॉब्लम है जो अभी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट और गवर्नमेंट सभी ने नोटिस किया। ये प्रॉब्लम कुछ गंभीर ऐसा है कि 11th जो हमारा 5 ईयर्स प्लान का रिपोर्ट के मुताबिक हमारा 2/3 ऑफ आवर एग्रीकल्चरल लैंड इज नाउ सिक ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक कार्बन। 2/3 ऑफ आवर एग्रीकल्चरल लैंड इज नाउ सिक। तो ये एक समस्या है, गंभीर समस्या है। दूसरा एक समस्या है कि बहुत सारे उर्वर कृषि क्षेत्र अभी इधर तो सैलाइनिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहा है,
और वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब मानिए 1978 में जब 1 kg फसल उगाने के लिए हमको 8.5 kg फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ता था, मैंने कुछ गलत कहा, 15 kg फसल उपजाने के लिए हमको 1 kg केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ता था। अभी 1 kg केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके हम सिर्फ 8.5 kg फसल उपजा सकते हैं। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इस समस्या का जड़ क्या है? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के साथ ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन ये जुड़े हुए हैं? हमारा चर्चा का विषय यही है। अब देखिए, जो मेटाबॉलिक एलियनेशन जो प्रॉब्लम को 150-200 साल पहले, वो प्रॉब्लम मैं थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन करना चाहूंगा कि मेटाबॉलिक एलियनेशन है क्या। इस जो ये जो सॉइल फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, ये सॉइल फर्टिलिटी का प्रॉब्लम कोई आम टेक्निकल प्रॉब्लम तो है नहीं, ये एक इकोसिस्टम का प्रॉब्लम है और ये इकोसिस्टम का प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से। कैसे? देखिए, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जब से शुरू हुआ तब से टाउन में तो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, टाउन में बहुत सारे आदमी और औरत अभी इकट्ठे हो रहे हैं, और ये मतलब मानिए ये जब है तो ये समस्याएं भी शुरू हुआ। इसको मैं समस्या ही कहूंगा क्योंकि जो सार्फ था वो सार्फ तो चला टाउन में एक मजदूर बनके, और उनका जो जो कॉमन लैंड्स था उस कॉमन लैंड्स को भी हड़प लिया गया। पूंजीपति ने उस कॉमन लैंड्स को तो कैप्चर कर लिया, उसका वो मतलब शिप का फार्म करने के लिए और वो बहुत सारे जो गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहा था वो जब गांव में आ रहा था तो गांव का आर्टिजन का भी तो काम चला गया और बहुत सारे लोग सरप्लस हो गया। तो आप तो ये जानते हैं कि कुछ सरप्लस लोगों को तो भेज दिया गया था डिफरेंट कॉलोनी में, वो जिसको शिप्स ऑफ फूल्स कहते हैं। बहुत सारे तो सरप्लस आदमी को तो भेज दिया गया ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारे कॉलोनी में, और जो लोग रह गया वो तो मतलब उसको तो ये कंपल्शन था कि वो शहर में चला आए क्योंकि गांव में अब काम भी नहीं है और खाना भी नहीं है, तो इसलिए तो शहर का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे थे। अब देखिए, जब आप कोई फसल उपजाते हैं किसी जमीन में तो वो जमीन से क्या लेता है? वो जमीन से डिफरेंट एलिमेंट्स को वो एब्जॉर्ब करता है। वो नाइट्रोजन लेता है, फास्फोरस, लिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक, पोटेशियम, ऐसे कम से कम 15 ऐसा एलिमेंट्स तो वो एब्जॉर्ब करता है, और वो एलिमेंट रह जाता है उस फसल के अंदर। और जब वो फसल चला जाता है शहर में तो वो एलिमेंट किसी भी नेचुरल तरीके से वो तो जमीन में वापस नहीं आ सकता। मतलब एक परमानेंट शिफ्ट होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का गांव से शहर में, और जो किसी भी नेचुरल तरीके से फिर शहर, फिर गांव में, फिर कृषि क्षेत्र में तो वापस नहीं आ सकता। तो इसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिफ्ट। और इस मेटाबॉलिक रिफ्ट का मतलब कितना ज्यादा होता है ये मेटाबॉलिक? आप मानिए 2000-2001 में इंडिया में तो शहर का पॉपुलेशन था 28 करोड़ 53 लाख ऐसा कुछ था। और एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि उस समय शहरी जो आदमी वो पर हेड 4.4 kg चावल और 5.5 kg गेहूं कंज्यूम करते थे एवरी मंथ। तो अगर हम और देखिए, वो 1 kg गेहूं में 3.86 मिलीग्राम पोटेशियम है और 1 kg चावल में 1.45 मिलीग्राम पोटेशियम है।
तो ये डाटा को लेकर अगर हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे सिंपल एरिथमेटिक से कि 2000-2001 में सिर्फ चावल और गेहूं के जरिए गांव से एग्रीकल्चरल फील्ड से 80,000 मेट्रिक टन के आसपास पोटेशियम चलाया शहर में, जो किसी भी नेचुरल बायोजियोकेमिकल साइकिल से दोष गांव का कृषि क्षेत्र में वापस नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि एक परमानेंट डेफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है गांव का एग्रीकल्चरल फील्ड में। और ये तो हम लोग से ये हिसाब तो किया केवल चावल और गेहूं के जरिए कितना पोटेशियम आ रहा है, अगर हम सारे फूड आइटम को हिसाब में लेंगे कि कितना मिल्क कंज्यूम हो रहा है कितना, और मानिए उसका कपड़ा बनाने के लिए कितना कॉटन आ रहा है, कितना जूट आ रहा है, ये सब अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि गांव से बहुत ज्यादा एलिमेंट शहर में आते आ रहा है, जिसका कोई ऐसा नॉर्मल बायोजियोकेमिकल कोई साइकिल तो है नहीं जिससे वो फिर कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चरल फील्ड में वो वापस जा सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारे यह कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है कि जहां फसल उपजाया जाता है वहां वो कंज्यूम नहीं होता, वो कंज्यूम होता है एक फार डिस्टेंट जियोग्राफिकल प्लेस में। तो ये समस्या है, ये है हमारा, इसको हम लोग मेटाबॉलिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि ये मेटाबॉलिक ड्रिफ्ट तो हमने सिर्फ पोटेशियम के लिए हिसाब किया, अगर मानिए पोटेशियम की जगह आप कैल्शियम को हिसाब में लाएंगे तो 10,400 मेट्रिक टन के आसपास कैल्शियम इस तरह से एग्रीकल्चरल फील्ड से शिफ्ट होके चला आया। जिंक का अगर हिसाब करेंगे तो देखेंगे कि 670 मेट्रिक टन के आसपास जिंक इस तरह से चला आया। तो ये डेफिशिएंसी तो होते जा रहा है, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए जमीन का जो फर्टिलिटी ये तो घटते जा रहा है। क्योंकि देखिए लीबिक, जस्टस वॉन लीबिक एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एक एग्रीकल्चरल केमिस्ट था मार्क्स के जमाने में, वो उसका एक लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम बोल के। तो ये है कि जमीन में जो एलिमेंट सबसे कम है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना प्रोडक्शन होगा। मानिए आपका जमीन में नाइट्रोजन ठीक है, फॉस्फोरस ठीक है, पोटेशियम ठीक है, लेकिन जिंक में थोड़ा सा घाटा हो गया तो प्रोडक्शन घट जाएगा। कितनी भी नाइट्रोजन हो, कितनी भी फॉस्फोरस हो, जिंक के घाटा होने से प्रोडक्शन घट जाएगा। किसी एक एलिमेंट का अगर घाटा होगा तो प्रोडक्शन घट जाएगा। तो इसके ऐसे इस तरह से जमीन का फर्टिलिटी घटते जा रहा है। पंजाब में देखिए, पंजाब में, हरियाणा में देखिए, हरियाणा में 1980 में 10% जमीन में फॉस्फोरस का प्रॉब्लम था। वो 15 साल के बीच 1995 में कम से कम 70% जमीन में फॉस्फोरस का प्रॉब्लम हो गया। पोटेशियम का 91% जमीन में पोटेशियम का कोई प्रॉब्लम नहीं था 1980s में, 1995 में पोटेशियम का प्रॉब्लम हो गया 61% जमीन में। तो इस तरह से पंजाब में लोहा का घटती होते जा रहा है, मैंगनीज मॉलिब्डेनम बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का घटती घाटा होते जा रहा है पंजाब के जमीन। तो ये तो इस तरह से हमका सॉइल फर्टिलिटी घटते जा रहा है, और ये एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो है नहीं, ये प्रॉब्लम है एक मोड ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉब्लम। अगर देखिए इसका एक सॉल्यूशन ऐसे आप बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कुछ सॉल्ट उसमें ऐड कर देंगे, मानिए जिंक घट गया तो ठीक है थोड़ा जिंक सल्फेट डाल दो, ठीक है फॉस्फेट घट गया थोड़ा फॉस्फेट डाल दो, लेकिन ये जो जिंक है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, उसका कितने परसेंटेज हेल्दी सॉइल के लिए है, और उससे थोड़ा सा अगर बढ़ जाएगा तो वो टॉक्सिसिटी में है। तो ये बैलेंस बहुत क्रिटिकल बैलेंस है। इस क्रिटिकल बैलेंस के लिए तो हमको एकदम बहुत हिसाब करके इसको तो देखना पड़ेगा। ये तो हमको ये सॉइल हिसाब ठीक तरह से करना भी बहुत टफ
चीज है, ये ऐसा है नहीं कि हम सॉइल को ले जाएंगे लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफिशिट है उसको डाल देंगे, ये तो इतना आसान तो है नहीं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे माइक्रोब्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मेटेरियल्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप वैरी करता है। ये चावल के लिए एक कुछ ऐसा होगा, फिर ये वेजिटेबल्स के लिए कुछ अलग सा होगा, तो ये प्रॉब्लम तो है ही। सो केवल आप कुछ फर्टिलाइजर के जरिए इस प्रॉब्लम को तो आप संभाल नहीं सकोगे। इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए आपको ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है इसमें कुछ आपका बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिस्क, और जो प्रॉब्लम तो ये कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और अगर देखिए जो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर जब आए हैं, ये तो केवल हमारा देश का समस्या नहीं है, यूरोप में जब ये हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था। यूरोप में जब कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर जब आए हैं तो हम आपको एक, उस समय तो केमिकल फर्टिलाइजर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उस समय बोन डस्ट इस्तेमाल करते थे किसान लोग या गुआनो को इस्तेमाल करते थे। तो मानिए हम आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, तो देखिए देखिए 1835 में फर्स्ट तो ये गुआनो इंपोर्ट शुरू हुआ था फर्स्ट 1835 में, और 1849 में 1700 टन गुआनो का इंपोर्ट हुआ था। फिर वो 1849 से 1847 में 1841 आई एम सॉरी 1841 में 1700 टन गुआनो का इंपोर्ट हुआ था, और 1841 से 1847 में वो इंपोर्ट बढ़ गया 220,000 टन में। मतलब जब 1841 में केवल 1700 टन गुआनो को इंपोर्ट हुआ था, वो 1847 में वो इंपोर्ट किया 220,000 टन गुआनो। और सेनेट में एक बिल पास किया था उन लोग जिसको गुआनो बिल करते हैं, वो फ्लीट बेच के अपना नेवी बेच के वो दुनिया का सारे गुआनो आइलैंड और गुआनो शोर का कैप्चर कर लिया था, क्योंकि उसको गुआनो चाहिए था। और बोन डस्ट में 1823 में केवल 14,395 पाउंड का किया था ब्रिटेन ने, और वो 1837 में वो बढ़ गया 254,600 पाउंड में। तो बोन का आमदनी भी इतना बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि जो फसल खेत में उपजाया गया वो फसल चला गया टाउन में, और टाउन में जो मॉन्स्ट्रस जो वेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द क्रिएचर्स वो केवल प्रदूषित करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो गांव में वापस नहीं आया। तो उस समय एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट था जेम्स एंडरसन बोल के, वो कहा कि कोई आदमी अगर जिस जो खेती के बारे में केवल सुने हैं, जो कभी खेती देखा नहीं केवल सुने हैं खेती के बारे में, वो भी जानता है कि ये आदमी का और ये जो और जो अदर्स एनिमल्स है उसका वेस्ट कितना मूल्यवान है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का कोई तो ये मतलब कोई तो प्लान नहीं है। ये केवल टीम्स को पॉल्यूट करता है, और जमीन का जो घाटा है उस घाटा को मिटाने के लिए गुआनो इंपोर्ट हो रहा है, बोन डस्ट इंपोर्ट हो रहा है। और इसके बाद जब केमिकल फर्टिलाइजर जब आविष्कार हुआ तो उसके जगह ले लिया केमिकल फर्टिलाइजर। पहले तो लावेस ने सॉल्युबल फॉस्फेट बनाया, फिर फॉस्फेट का तो बहुत सारे सेल होल्ड हो रहा था, फिर हेबर ने यूरिया बनाया तो यूरिया का भी सेल होल्ड हो रहा था। ये तो केवल दो एलिमेंट है जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, बाकी एलिमेंट का क्या होगा इसका कोई उत्तर तो है नहीं, उस समय तो था नहीं।
इसलिए वो जमीन का जो फर्टिलिटी, वो फर्टिलिटी को मेंटेन करना एक लॉन्ग लास्टिंग बैटल की तरह था उस समय। तो ये प्रॉब्लम तो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर का शुरू से है, वो प्रॉब्लम चलते जा रहा है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, अभी तक नहीं है जो इस प्रॉब्लम की पूरी तरह सॉल्यूशन दे सके। अगर मानिए एक ऐसा प्लान ऐसा है कि ठीक है, शहर का जो वेस्ट है, शहर का वेस्ट अगर हम लोग इस्तेमाल करें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अब शहर का जिंदगी में इतना टॉक्सिक मटेरियल इस्तेमाल होते जा रहे हैं कि बहुत टफ हो गया। जापान ने ऐसा कोशिश किया था कि शहर का वेस्ट लेके वो एग्रीकल्चरल फील्ड में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें कैडमियम चला आया। शहर का जो रास्ता है, वो रास्ता का जो रन ऑफ है, जब बारिश आता है तो रास्ता का जो रन ऑफ बहुत सारे कैडमियम मिला हुआ रहता है। अगर वो ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ घुलमिल आया तो वो कैडमियम सीधा आपका फूड वेब में, फूड साइकिल में वो प्रवेश कर जाएगा और बहुत सारे डिजीज का जन्म देगा। तो ऐसे इसी तरह से जापान में कैडमियम और मरकरी का दोनों एपिडेमिक हो गया था। जापान में इताई डिजीज का जो एपिडेमिक हुआ था वो केवल शहर का ये वेस्ट एग्रीकल्चरल फील्ड में इस्तेमाल करने के लिए कि उसमें कैडमियम चढ़ा है। तो ये एक बहुत समस्या है कि शहर में बहुत सारे लोग जब एक इकट्ठा होते जा रहे हैं और इसका टेंडेंसी बढ़ते जा रहा है। यूएनओ का जो रिपोर्ट है चैलेंज ऑफ स्लम, उसमें वो कहते हैं कि 2025 के आसपास शहर का जनसंख्या का जो वृद्धि वो दुनिया का टोटल जनसंख्या का वृद्धि से ऊपर हो जाएगा। मतलब धरती में जितना जनसंख्या का पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा उससे ज्यादा होगा अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये ज्यादातर होगा थर्ड वर्ल्ड में। ऐसे बहुत सारे स्लम्स उसमें डेवलप करेगा और करते भी जा रहा है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा आदमी को रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो विकास का जो अब चल रहा है ना, इस विकास के लिए बहुत सारे किसान अपने काम खोते हैं, बहुत सारे आदिवासी अपने जंगल से विस्थापित होते जा रहे हैं, और ये सारे आकर इकट्ठा हो रहा है शहर में और मेनली टाउन का जो स्लम एरिया है उसमें। और इन शहर में आकर क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ही। उसका खाना भी वो शहर से ही लेगा और उसके लिए शहर को आमदनी भी करना पड़ेगा, और इस तरह से मेटाबॉलिक रिस्क और भी ज्यादा बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम तो चलते ही जाएगा। तो ये मतलब एक मूड ऑफ प्रोडक्शन का समस्या है, ये प्रॉब्लम है मूड ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, ये कोई आम टेक्निकल प्रॉब्लम तो है नहीं। और देखिए, ये हम लोग जब किसी प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचते हैं, हम केवल इसमें ध्यान देते हैं कि पर यूनिट एरिया से कितना फसल हम लोग उपजाया जा सकता है, कितना फसल नहीं, कितना वो चीज उपजाया जा सकता है जिसका मार्केट वैल्यू है। लेकिन एक हेल्दी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में ऐसा बहुत कुछ उपजाता है जो केवल मार्केट में बिक्री नहीं होता, जिसका आधार यूटिलिटी भी है। और मानिए एक इनेंडेटेड पैडी फील्ड में ऐसा बहुत सारे मछली मिलता है जो एग्रीकल्चरल वर्कर जब उसमें काम करता है तो उसको पागा करते हैं, उसको खाते हैं, और इसके ऊपर इससे उसका प्रोटीन डेफिशिएंसी का कुछ सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन वो फिश मार्केट में बिक्री नहीं होता, अगर बिक्री होता भी है तो लोकल मार्केट में। जो प्लान करते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उसको इस फिश से कोई लेना देना है नहीं। वो केवल सोचता है कि कैसे भाई ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना। ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर हम ये फिश प्रोडक्शन को पूरा तितर बितर कर देंगे तो उसका कुछ नहीं तो उसका कुछ मतलब आना जाना नहीं है उसको। तो ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसको किसको मिलेगा? ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको बिक्री करना पड़ेगा, और बिक्री करके हमको प्रोटीन खरीदना पड़ेगा।
अगर मानिए आप क्रिएशन का दृष्टिभंगी से क्रिएशन का आउटलुक से आप देखोगे तो ग्रेन का प्रोडक्शन बड़ा कम क्या करेंगे, तो छोटा सा किसान है थोड़ा सा ग्रेन होगा, थोड़ा सा मछली भी होगा, हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, हमको मछली भी मिल जाएगा और मछली के दर लड़िए और जो अदर जो वेजिटेबल्स है जो एक इनंडेटेड पैडी फील्ड में उपजाया जाता है उसका साइड लाइन में जो उपजाया जाता है उससे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स ये सब उसको मिलेगा, वो एक बैलेंस डाइट पाएगा। अगर उसको वो सबको खत्म करके हम केवल ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको तो मेल न्यूट्रिशन में जगह कर देंगे। तो इसलिए एक नया समस्या आ रहा है। अभी देखिए प्रोडक्शन बहुत बड़ा है तो ठीक है, चावल का प्रोडक्शन बड़ा है, गेहूं का प्रोडक्शन बड़ा है, बहुत ज्यादा कैलोरी का डेफिशिएंसी तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो है न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी। लोगों को प्रोटीन ठीक से नहीं मिल रहा है, लोगों को डिफरेंट मिनरल्स ठीक से नहीं मिल रहा है। यूएनओ का एक समीक्षा है जो बोलता है कि सारे दुनिया में 40% एग्रीकल्चरल फील्ड इज नाउ सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उस एग्रीकल्चरल फील्ड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो कम है, तो उस एग्रीकल्चरल फील्ड में आप जो फसल उपजाओगे उसमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट कम आएगा। आप एक टमाटर खा रहे हो, एक पपीता खा रहे हो, उससे आपको जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस मिट्टी में वो उपजाया जाता है उस मिट्टी में ही डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है। तो इसलिए अभी WHO का एक समीक्षा ऐसा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बिकम्स ए सबलाइम पैंडेमिक, बिकम्स ए सबलाइम पैंडेमिक। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में बहुत सारे आदमी और औरत अभी सफर कर रहा है, जिसको प्रॉपरली जिसको जिंक नहीं मिल रहा है, आयरन नहीं मिल रहा है, कॉपर का डेफिशिएंसी नजर में आ रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि जमीन से ये सब न्यूट्रिएंट तो खाली होते जा रहा है। तो ये है प्रॉब्लम। और ये तो देखिए हम लोग तो हंगर को हम लोग हटाकर हम लोग मेल न्यूट्रिशन को इन्वाइट कर रहे हैं, और इसका एक पॉलिटिकल फायदा भी है। जो हंगरी होता है ना उसमें बहुत गुस्सा पैदा होता है, वो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जो मेल न्यूट्रिशन इसका मेल न्यूट्रिशन है उसमें उतना बहुत पैदा नहीं होता, क्योंकि उसका तो एक फीलिंग ऐसा है ठीक है हमारा पेट तो भराड़ गया है ना, लेकिन ऐसे करके हम एक टोटल जनरेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन को ढकेल दे रहे हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जो दवा है कि इतना हम लोग बढ़ाया प्रोडक्शन, इतना हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर फाइंड, what we always see at the end of the day कि हम लोग हंगर को रिफ्यूट किया लेकिन हम लोग मैन्यूट्रिशन को वेलकम किया। तो ये भी पूंजीवादी कृषि का एक समस्या है, और ये पूंजीवादी कृषि का ही समस्या है, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ठीक है, मैं आपका टूटी फूटी हिंदी में तो इतना चला लिया, तो ठीक है अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। साथी अफरुदा ने अभी बहुत ही बढ़िया एक ऐतिहासिक रूपरेखा पेश की है, क्योंकि जनरली जब हम एग्रीकल्चर या सॉइल फर्टिलिटी या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो शुरुआत इससे करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में क्या बदल सके। वीगनिज्म काफी सारे लोग अपनाते हैं, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम प्रधानमंत्री से लेके अलग अलग जगह पे लिया जा रहा है। लेकिन अपराधा आप जो बोल रहे थे उसमें पूरा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसी में कुछ कुछ ऐसे खामियां बता रहे थे जिसके वजह से गांव और शहर, प्रकृति और इंसान के बीच में एक तरीके का दरार पैदा हो रहा है, जिसको आप मेटाबॉलिक रिस्क के नाम से चिन्हित कर रहे थे। तो आज एनवायरनमेंट डे पे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे 6 महीने के ऊपर हो गए हैं किसान आंदोलन का,
तो उस समय में हम एनवायरनमेंट डे में अगर इन मुद्दों को जो किसान आंदोलन इतने बड़े तरीके से लेके आए हैं हमारे सामने, इसको लेके चर्चा ना करें तो शायद हम कुछ इग्नोर कर रहे हो। तो आपके प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कलेक्टिव की तरफ से। और सभी पर कहा था कि एक जगह का कृषि का सबसे महत्वपूर्ण जो संपद है वो है उसका एग्रो बायोडाइवर्सिटी। जहां पर एग्रो बायोडाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा वहां पेस्ट अटैक कम होगा, सॉइल फर्टिलिटी अच्छे से बढ़ने रखेगा। ये सब खुद एम एस स्वामीनाथन ने ही पढ़ाया था अनिल सर गोपाल को। फिर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो मरो लात बायोडाइवर्सिटी को और दो चार वैरायटी को पूरा देश में वो खेती करने का प्लान लिए थे। तो अनिल सतगोपाल ने फिर उनको पूछा कि सर आपने ही तो कहा था कि बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर में जितना ज्यादा होगा एग्रीकल्चर उतना स्ट्रांग होगा, एग्रीकल्चर का रेस उतना स्ट्रांग होगा, तो आप क्यों ये एक दो वैरायटी को पूरा राज्य के लिए प्रमोट कर रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन ने उसको कहा कि सब क्वेश्चन का आंसर मत मांगो, सब क्वेश्चन का आंसर मत मांगो। तो ये देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। मेरा रिसर्च का फील्ड है मेनली राइस को लेकर, तो मैं राइस से ही आपको बताऊंगा। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के खिलाफ अब जितने भी बात बोले कि ग्रीन रेवोल्यूशन में पेस्ट आउटब्रेक को बढ़ रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन सॉइल फर्टिलिटी को तितर बितर कर दिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत रोग फैलाया, आज पंजाब में कैंसर ट्रेंड चल रहा है, ये अब जितना भी ग्रीन रेवोल्यूशन के खिलाफ कहेंगे, कुछ लोग जो इकोनॉमिक्स का है और जो जो एग्रोनॉमी का है वो अब तक कहेगा भाई आपने ठीक ही कहा, लेकिन अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होगा तो होता तो आदमी भूखा मर जाता। क्योंकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो गेहूं और चावल इसका यील्ड इतना ज्यादा है कि देसी गेहूं और चावल उसका बराबर तो कुछ भी नहीं, ये बोल के वो आपको तो चुप करा देगा। अरे भाई क्या आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक करने का आम ही आदमी के लिए है, कितना उपजाऊ गया आपका यील्ड की इतना होगा, लेकिन ये सरासर झूठ है, झूठ। IR8 जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था तब IRRI का कहना है कि IR8 विंटर राइस जो है उसमें उसका प्रोडक्शन होगा 2.7 टन पर हेक्टर और समर राइस में होगा 4.5 टन पर हेक्टर। अगर आप सारे सिचुएशन को कंट्रोल में रखेंगे कि आपका वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी निकास का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाद उसमें ठीक ठाक डालोगे तो प्रोडक्शन आप कितना दूर तक लाओगे, आप 9.5 टन पर हेक्टर प्रोडक्शन कर सकते हो। और ये किया था सुजीत कुमार दे दत्तो बोल के एक साइंटिस्ट जो IRRI का साइंटिस्ट था, और वो दिखाया कि IRRI 9.5 टन पर हेक्टर प्रोडक्शन दे सकता है, और ये दिखाने के बाद वो तो वर्ल्ड फेमस हो गया। लेकिन अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं तो शायद आपका हजम नहीं होगा वो इंफॉर्मेशन। वो ये है कि 1951 से 1956 तक इंडिया गवर्नमेंट कृषि पंडित बोल के एक पुरस्कार देता था। सारा इंडिया में जो किसान सबसे ज्यादा यील्ड दे सकता है उसको कृषि पंडित पुरस्कार दिया जाता था। 1951 में इस पुरस्कार मिला पश्चिम बंगाल का एक किसान को जिसका नाम है जेसी पानी, और वो चावल का प्रोडक्शन किया 6.5 टन पर हेक्टेयर। जब IR8 का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था समर राइस में 4.5 टन, और उसके बाद भिल्लैया गोंडार 1952 में राइस का प्रोडक्शन किया 11.47 टन पर हेक्टेयर, जो कि IR8 का हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है 9.5 टन पर हेक्टर उससे भी ज्यादा। और ये रिपोर्ट सारे है हमारे पास, उस समय का जो राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका साइन किया हुआ वही रिपोर्ट हमारे पास है। अगर आप चाहो तो मैं आपको मेल के जरिए भेज सकता हूँ बाकी साथियों को देखने के लिए। तो मानिए जब इंडियन किसान इंडियन वैरायटी से ग्रीन रेवोल्यूशन से कम 6 से 8 साल पहले इतना प्रोडक्शन दे दिया,
फिर भी हम लोग मान लिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इल सबसे ज्यादा है और ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं करने से हम लोग सब भूखे मर जाएंगे और सारे ये जो हाई यील्डिंग जो वैरायटीज है इसको धक्के मार के इंडियन एग्रीकल्चरल जो एरिना है उससे निकल के हम लोग IR8 IR34 IR64 इसका चार्ज करने के लिए हम लोग तैयार हो गया। उस समय एक साइंटिस्ट था डॉक्टर आज रिचड़िया, वो अब जो छत्तीसगढ़ जिस जगह को बोलते हैं उस समय वो मध्य प्रदेश का अंडर में था, वो मध्य प्रदेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक साइंटिस्ट था, वो छत्तीसगढ़ में ऐसा बहुत सारे इंडिजिनस राइस वैरायटी का डिस्कवर किया जिसका प्रोडक्शन 7 से 9 टन पर हेक्टर का है और जिसके लिए कोई यूरिया कोई डीएपी का जरूरत नहीं है। तो ये इतना सारे संपद इतना सारे जेनेटिक रिसोर्स हमारे पास था और इसके इसके बावजूद भी हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को इनवाइट किया और ग्रीन रेवोल्यूशन को इनवाइट करने के बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन को इनवाइट करने के बाद हुआ ये कि ज्यादा बहुत नैरो जेनेटिक बेस हो गया था उस समय और नैरो जेनेटिक बेस होने के लिए पेस्ट आउटब्रेक बहुत बढ़ गया। 1965 से 1995 में पेस्ट आउटब्रेक हुआ था 500%। इंडियन एग्रीकल्चरल फील्ड में इंडियन राइस फील्ड में पेस्ट का 500% पेस्ट अटैक बढ़े हैं। 26 नया स्पीसीज जिसको पेस्ट स्टेटस मिला आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड। और क्या हुआ, और इतना जो इरिगेशन के जरिए 45 लाख हेक्टर एग्रीकल्चरल फील्ड बिकम सैलाइन एंड 65 लाख हेक्टर एग्रीकल्चरल फील्ड बिकम वाटर लॉग। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ भड़ोरा पिंगाली IRRI का एक साइंटिस्ट, वो क्लेम कर रहा है कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता तो अब जितना फसल अब उत्पन्न होता है उतना फसल प्रोडक्शन करने के लिए हमको 2.5 करोड़ हेक्टर ज्यादा एग्रीकल्चरल फील्ड का जरूरत होता। लेकिन जो नहीं कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की इंप्लीमेंट करने के बाद केवल भारत में ही 1.5 करोड़ हेक्टर जमीन या तो सैलाइन हो गया या तो वाटर लॉग हो गया। पंजाब में 138 ब्लॉक है पंजाब में, उसमें 110 ब्लॉक में अभी वाटर टेबल 10 मीटर से भी ज्यादा घट गया है, ये अलर्मिंग है। इसके बावजूद भी पंजाब का किसान फसल उपजाया केवल इसलिए कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था। ये सब डिवेलपमेंट के बावजूद उसका सॉइल फर्टिलिटी नष्ट हो गया, उसका वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे चला गया, बहुत ज्यादा जमीन वाटर लॉक्ड हो गया, सलाइन हो गया, किसानों में कैंसर महामारी की तरह फैल गया। इसके बावजूद भी वो प्रोडक्शन कर रहा था सिंपली बिकॉज दे आर गेटिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आप सरकार कहेंगे कि नहीं देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कहां जाएगा, खुदकुशी कर लेगा। और आप तो किसान और खुदकुशी तो मतलब सिनोनिमस वर्ड हो गया है। तो ये जो मतलब डिबाकल ये तो क्रिएट किया ग्रीन रेवोल्यूशन वालों ने। और जब पंजाब अब खोखले हो गया अब कह रहा है कि स्वनिर्भर बनो, इससे ज्यादा सेरेटर को कहूंगा, अब कह रहा है कि स्वनिर्भर बनो, ठीक है हम लोग स्वनिर्भर बनेंगे, जितना सब्सिडी तुम फर्टिलाइजर कंपनी को दे रहे हो उतना सब्सिडी तुम डायरेक्ट किसान को दे दो, हम लोग अपना स्वनिर्भरता हम लोग खुद समझ लेंगे। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। नहीं, और ये टॉपिक और लोगों के लिए भी इमोशनल होना ही चाहिए। लेकिन आपके बात से कुछ कुछ चीजें सामने आई, क्योंकि जनरली जब हम एनवायरनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं या क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बात करते हैं या अलग अलग इसको और भी अलग अलग तथ्यों में इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, तब अक्सर लगता है कि एनवायरनमेंट कुछ अलग चीज है, किसान आंदोलन कुछ अलग चीज है, मतलब जल जंगल जमीन का लड़ाई कुछ अलग चीज है, आजीविका का लड़ाई कुछ अलग चीज है। लेकिन आपके जवाब में कुछ ऐसे भी चीजें सामने आ रही हैं कि कैसे ये अलग अलग आंदोलन एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और शायद जुड़े हुए भी हैं।
और आपने ये भी बताया कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें ये भी मिलेगा कि उसमें कुछ कुछ ऐसे संभावनाएं भी थी हमारे देश में जिसको नकार के ये ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडल लिया गया। तो अभी साथी आदर्श भी इसमें इसको लेके ही पूछ रहे हैं, जो शायद थोड़ा आपके बात में कवर हो ही गया, कि मार्क्स और एंगल्स ने पूंजीवादी कृषि को ऐसे कैरेक्टराइज किया है कि इससे इज कैरेक्टराइज बाय द रॉबिंग ऑफ द सॉयल एंड अंडरमाइनिंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ वेल्थ, द सॉयल एंड द लेबर, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टाउन एंड कंट्री साइड। तो आज के दिन में ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे प्ले हो रहा है, मतलब अलग अलग आंदोलन भी ये कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे सामने लेके आ रहे हैं, और जो एनवायरमेंट मूवमेंट माना जाता है उसके साथ अलग अलग जो आंदोलन है वो किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में खास करके ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को सामने लेके आ रहे हैं, अगर उस पर आप थोड़ा उजाला डाल सकें। जी, उसी के साथ फिर हम अगले सवाल पे इसी के साथ हम फिर अगले सवाल पे चलते हैं। उज्जवल का कोई सवाल है, उज्जवल आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं।
सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. फ्रेंड रवीना, तो उज्जवल ने मुझे कहा था कि ये सेमिनार अटेंड कीजिए. तो सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, तो सर ये कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ का. यस सर, ये का जो कॉन्सेप्ट है ये हम एक लेमैन फार्मर तक कैसे लेके जाएंगे? और ये जो आप बात बता रहे हैं कि प्रोडक्शन से और सस्टेनेबिलिटी से, तो सर ये लेमैन फार्मर तक जाके हम लोग, जैसे आपने एक बात बोली थी कि आपने कहा था कि जिंक की, मॉलिब्डेनम की, कैडमियम की, ये सबकी जो क्वांटिटी है, ये एक लेमैन फार्मर पैसा तो मेजर कैसे करें? और दूसरी बात ये है कि इसको वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की जो आजकल बात चल रही है, WHO ने भी बोला इसके बारे में, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है, काफी सारे साइंटिस्ट भी कोविड पेंडेमिक के बाद एक ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेगा कैसे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा सर? देखिए, अगर आप किसानों से बात करेंगे तो मेरा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर आप किसानों से डायरेक्ट बात करेंगे, उनके साथ आपको मिलना है, उसके उसका जीवन में आपको शामिल होना है, उसके साथ दोस्ती करना है, और ये अगर आप कर पाएंगे तो ये बात किसी को भी समझाना ज़्यादा मुश्किल है नहीं. और ये नॉलेज हम मानते हैं कि किसान का जो नया पीढ़ी है उसके पास तो ये नॉलेज है नहीं, लेकिन आप कुछ बुजुर्गों से ये बात करेंगे तो वो आपसे ज्यादा आसानी से कम्युनिकेट कर पाएगा. मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं. मैंने किसानों का एक सेमिनार में ये कहा था कि ऐसा इंडिजिनस पैडी था जिसका यील्ड अभी जो हाई यील्डिंग पैडी जो हो रहा है उसका बराबर की उससे ज्यादा था. तो वहां जो यंग किसान जो था वो मुझ पर हंसे, लेकिन एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि ये लोग नहीं जानते, हम लोग जब खेती किए थे वो एक वाइस वैरायटी का नाम बताया था जिसका नाम था सोनी भादोई. बोला हम लोग जब सोनी भादोई जब हम लोग खेती किए थे, ये जब ये मतलब आफ्टर फ्लड जो मतलब फ्लड हो जाने के बाद जो नदी का जो बैंक होता है उसमें हम लोग सोनी भादोई का खेती किए, तो उसमें हम लोग जितना फलन इतना चावल उपजाया वो तो अभी ये हाई यील्डिंग चावल में तो नहीं होता है, उसका प्रोडक्शन उतना नहीं होता. ये मैं खुद अपने कानों से एक बुजुर्ग किसान से मैं खुद सुना है. और मानिए खेत में जो मछली होता है उस मछली के साथ क्या संबंध था किसानों का, उसका हेल्थ का, जो ये जो इनंडेटेड जो पैडी फील्ड है उसमें बहुत सारे मोलास्क भी होता है जिसको हम बांग्ला में गेरी गुगली कहते हैं, वो पाइला ग्लोबस उसका साइंटिफिक नाम है, वो अपना प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करते थे, उसका क्या रोल है उसका जीवन में, ये सब वो खुद ही आपको बताएंगे. आपको केवल उस बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस, आपका जो थ्योरी, इन दोनों को मिला के आपको नए पीढ़ियों का किसानों को वो समझाना है. ये कुछ टफ जॉब तो है नहीं, लेकिन किसान जिंक नहीं समझता है, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन हर साल उसको ज्यादा से ज्यादा यूरिया डीएपी डालना पड़ता है ये उसको मालूम है. एक समय ऐसा था जिस समय इतना यूरिया डीएपी का जरूरत नहीं होता, ये भी वो सुने हैं अपने दादा अपने बाप से. और इतना जो कीड़े मकोड़े का जो अटैक बढ़ गए हैं वो भी इस समय नहीं था, ये भी उसको मालूम है. आपको बुजुर्ग किसानों को जो एक्सपीरियंस, आपको जो साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरी, इन दोनों को मिलाना है, बस यही आपका काम है. एक एक्टिविस्ट होने के नाते यही काम है आपका. थैंक यू सर. सर मेरा एक और क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है, अभी के समय में इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है. समस्या ये है कि सर इंडिया के अंदर ये जो स्मॉल फार्म होल्डिंग है, फार्म का सेगमेंटेशन है, तो सर इसके अंदर हाँ. तो आप इस,
तो आपका जो टेक्निक ऑर्गेनिक फार्मिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस टेक्निक से मतलब हम इनको मतलब कि जो यील्ड का जो इम्प्रूवमेंट है क्या वो लाया जा सकता है क्या? जो वैरायटीज है जिसको फूड को हम ग्रो करते हैं, जैसे कि आपने बताया था कि राइस है, इसके अलावा जैसे सीरियल्स हो गए या फिर ऑयल्स के लिए आजकल हम बहुत ज्यादा ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो इस तरीके की चीजें कौन फार्म होल्डर है उसके उसके पर्पस उसको मतलब हम उसके बराबर यील्ड कैसे लेकर आएंगे, मतलब उस सिनेरियो में ही काम करते हैं सरकार को। सरकार का मेन है कि फील्ड आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड द इकोनॉमी आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, सो हाउ डज दिस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स वर्क यू नो इन दैट सिनेरियो इन दैट केस सर? देखिए, ये जो किसान जिसका लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है, ये लोग हिस्टोरिकली कभी एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? देखिए, मानिए एक जमींदार जिसका 50 एकड़ जमीन है, उसमें किसान काम करते हैं, खेत मजदूर काम करते हैं। उस जमीन में जो मछली होगा, जो मोलस्क्स होगा, जो उसका जमीन का साइड में जो पौधे होंगे, उसको लेकर उस जमींदार को तो कोई लेना देना नहीं है। वो केवल चावल और गेहूं के बारे में सोच रहे हैं। और जब उसका शेयर होता है, शेयर क्रॉपर्स जो है, शेयर जब होता है उसका, तो वो केवल गेहूं और चावल का ही शेयर होता है। और मछली मोलस्क और छोटे छोटे मोटे हार्प्स का तो कोई शेयर नहीं होता। तो इसलिए जमींदार कभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। वो केवल छोटा किसान, खेत मजदूरों, शेयर क्रॉपर्स, उसका ही प्रॉपर्टी हिस्टोरिकली था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सबसे पहले ये जो रिच प्रोड्यूसर है वो इसको अपनाया, क्योंकि उससे उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता। और वो अपने खुद का जो उपजाया हुआ चावल वो तो खुद नहीं खाता, वो उसको बेच देता है। इसलिए चावल का जो टेस्ट घट गया था, IR8 बहुत घटिया किस्म का चावल था, उसका स्वाद बहुत खराब था, इसके लिए भी उसका कोई लेना देना नहीं था। छोटा किसान ने अपनी तरीके से कुछ रेजिस्ट किया था, क्योंकि वो अपना उपजा हुआ चावल खुद खा रहा था। वो ये देखा था कि पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से, ये केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से चावल के साथ साथ और जो चीज होता है उसमें घाटा आता है। तो इसलिए वो अपनी तरीके से कुछ रेजिस्ट किया। वो पहले ऐसा रेजिस्ट किया कि ये जो IR8 वाला जो चावल है वो खाने में बहुत खराब है, हम लोग तो इसका यही करेंगे। हम आपको एक रेफरेंस भी दे सकते हैं, खाना में अभी रिसेंट ये हो रहा है कि ये जो डाइवर्सिटी वाला जो क्रॉपिंग्स है, जो नेचुरल जो फार्मिंग है, उसको हटा के वहां पर भी ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला मोनोकल्चर इस्तेमाल मतलब इंप्लीमेंट करते हैं सरकार। तो इस सीनरियो में शिबाटू ने एक रिसर्च किया है, आपको नेट में उसका पेपर अवेलेबल है। तो वो दिखाया कि जब हम लोग मोनोकल्चर में जाते हैं तो छोटा किसान है, जो मार्जिनल फार्मर है, उसका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ज्यादा बढ़ते हैं, उसका फूड डाइवर्सिटी घटते हैं और उसका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे पहले तो आपको जो मिलेगा, जो उत्साहित होगा, वो है छोटा किसान। लेकिन वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं जिसका प्रोडक्शन मॉल में बिकता है, वो जब खुद अपने के लिए जो उत्पादन कर लेगा, उसका प्रोडक्शन वो खुद करने के लिए वो उत्साहित होगा। आदिवासी जो किसान है, जो मार्जिनल फार्मर है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम भी शेयर करूंगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, आप मानिए, अब सारे पैडी का जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो हो रहा है राइस मिल में। इससे पहले क्या होता था, ये प्रोसेसिंग होता था छोटे छोटे राइस मिल में या किसान का अपना घर में। अब बहुत बड़ा राइस मिल में जो पैडी का जब प्रोसेसिंग हो रहा है, उसका मशीन में अगर आप एक साथ कम से कम 100 टन पैडी नहीं डालोगे तो उसका मशीन तो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो छोटा किसान, मानिए आप एक ब्रांड वैरायटी उसको दिया कि तुम इसको उपजाओ, उसका यील्ड भी अच्छा है, लेकिन ये भी
वो उसका खेती कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बेचना होगा उस चावल को लेकर, उसको बेचना होगा राइस मिल में, और राइस मिल वाले ये एक दूसरी किस्म का पैडी एक्सेप्ट नहीं कर देगा। तो इसलिए वो एकदम उसका कंपल्शन है कि वो हाई यील्डिंग उपजाए। तो इसको अगर तोड़ना होगा आपको, तो आपको राइस मिल का कुछ सब्स्टिट्यूट वहां पर बनाना पड़ेगा, आपको कोई कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा, जो कोऑपरेटिव बेस में जो अपने घर में वो पैडी का प्रोसेस कर लेगा। आपको दूसरा तरह के मार्केटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढते हैं कि वो जो ढेकी से जो प्रोसेसिंग होता है उसके बना हुआ चावल ढूंढता है, उसको उसके पास आपको ये आपको पहुंचा देना पड़ेगा। आपको लोकल जो निक्सस है जो फर्टिलाइजर कंपनी और पेस्टिसाइड का, उसके खिलाफ भी आपको लड़ना पड़ेगा। और मानिए छोटा एक प्लॉट है, एक किसान का छोटा एक प्लॉट है, मतलब मानिए पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड है 1000 acres का, उसका अंदर का एक 2 acres का उसका प्लॉट है, तो उसको लिए भी बहुत समस्या होगा वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। फिर एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, वो है आप गाँव में तो ज्यादा गाय बैल तो है नहीं, क्योंकि आप जो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है इसमें हे का परसेंटेज इतना कम है कि उतना कम हे में वो अपना मतलब खड़ उतना इतना कम होता है कि उससे आपका वो गाय बैल पालना मुश्किल हो जाता है। फिर अभी फैलो लैंड तो कुछ है नहीं, इस साल में 2-3 times चावल या गेहूं होता है, तो वो मतलब चारा आड़ा कहाँ करेगा अपने गाय बैल को ले एकर। और फिर चला आया ट्रैक्टर, चला आया हार्वेस्टर, चला आया बैलगाड़ी, और जो खेती का जो लांगल होता है वो तो वो रिप्लेस कर दिया ट्रैक्टर और हार्वेस्टर ने। तो इसलिए गांव में गाय बैल भी बहुत घट गया है उसका संकट, इसलिए उतना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी अभी गांव में नहीं मिलता है। मतलब हमने ऐसा बहुत गांव देखे है जहां पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बहुत घाटा है। तो ये सबको लेकर एक टोटल सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी किसान को जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग का अच्छा चीज समझाओगे और वो अगला साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर देगा, ये इतना आसान नहीं है। मैंने 15 साल से गांव में रह रहा हूं और हमने देखा है कि ये कितना कठिन है। ये टोटल सिस्टम से आपको लड़ना पड़ेगा, इसलिए आपका संगठन होना चाहिए आपका गांव में और उसका आसपास का शहर में, तब जाकर आपको ये प्रॉब्लम को आप फेस कर सकोगे। ये बहुत हार्ड और फियर्स बैटल है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो इसी के साथ और जी इसी के साथ दो कमेंट और एक सवाल आया है। साथी आर्यन लिख रहे हैं कि चावल के एक्सेसिव प्रोडक्शन के वजह से पंजाब और हरियाणा में वाटर लेवल काफी गिर गया है और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से उनको अभी मॉनसून के लिए रुकना पड़ता है। इसी के वजह से फॉडर बर्निंग का प्रॉब्लम बार बार सामने आ रहा है, जिसके वजह से दिल्ली में स्मॉग पॉल्यूशन भी जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये कमेंट है और दूसरा एक सवाल आया है। अभी 1 hour के थोड़ा ऊपर हम चले गए हैं, तो शायद किसी सवाल पे भी हम आज का डिस्कशन खत्म कर सकते हैं। तो एक और साथी पूछ रही है कि हमने देखा है कि पिछले दिनों में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में रिसर्च बढ़ा है और
ये क्या इसलिए है कि इंडिजिनस क्रॉप वैरायटी, जैसे आप बोल रहे थे कि आपको ही पता है कुछ ऐसे धान के वैरायटीज है जिसमें यील्ड ज्यादा है जीएमओ से, क्या ये अवेयरनेस का दिक्कत है जो मैम लोग को पता नहीं है, या इसमें और भी कोई फैक्टर है जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जिसके जो जीएमओ को ज्यादा प्रमोट करता है? और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं, उनका ये पूरे सिस्टम में क्या रोल है? क्योंकि आपने सरकार का रोल एक हद तक बताया ग्रीन रेवोल्यूशन के नीतियों में, लेकिन साथ में पूंजीपति वर्ग का, मल्टीनेशनल कंपनियों का भी क्या रोल है, ये भी अगर आप साथ में ये दो। देखिए साथियों, ये तो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का क्या समस्या है, क्या खतरा है? समस्या नहीं, मैं खतरा शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा। इसको लेकर एक अलग सा डिस्कशन का जरूरत है, अगर आप लोग चाहे तो हम लोग शामिल हो सकता है, एक साथ मिलके हम लोग इसका मतलब आलोचना कर सकते हैं। आलोचना मतलब बंगला आलोचना, मतलब हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं इसका। मेरा जो मानना है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट से ये कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का कोई जरूरत है नहीं, ये केवल समस्या बढ़ाएगा, खतरा बढ़ाएगा, कोई सलूशन कर नहीं पाएगा। मैं एकदम एक सेंटेंस में ये बात कहना चाहूंगा। अगर इसके ऊपर चर्चा करना है तो समय लगेगा साथियों, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है, क्यों इसका खतरा है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों क्या क्यों इससे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इसके साथ इवोल्यूशन कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं एक बात आपको कहूंगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तो कोई फुल प्रूफ साइंस है नहीं, क्योंकि हाउ डज जीन वर्क ये अभी तक हम लोगों को पूरा तरह समझ में नहीं आए आए हैं। और दूसरा बात यह है कि इवोल्यूशन एक ऐसा चीज है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो सकता है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप केवल कुछ पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाएगा, हमारा फूड सॉवरेंटी के ऊपर और भी ज्यादा कंट्रोल आएगा, ये सब होगा और कोई कुछ नहीं होगा। और आप सभी को धन्यवाद कि आप हमारा टूटी फूटी हिंदी को सहार लिया, इसलिए आप सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ। Thank you.
इन क्लब्स इन द